हेलो फ्रेंड्स, हिमानी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ यूपी टेट 2018 के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल जरूर, ठीक है, जिससे कि मैं आपको और ऐसी वीडियोस दे सकूँ मैथ्स से रिलेटेड हो या कोई अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए, ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2:3। ठीक है, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, इसी के नीचे लिख देंगे 3:4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम इनमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे की गुणा कर लेंगे, पहले जो आगे की संख्या है उसकी आगे से गुणा हो जाएगी, बीच वाली संख्या की बीच से गुणा हो जाएगी और लास्ट वाली संख्या की लास्ट से गुणा हो जाएगी। ठीक है, कैसे, 2:3 अनुपात बीच के बीच में, 3:3 अनुपात लास्ट वाले 3:4। ठीक है, तो 2 की 3 में 2 3 6, अनुपात 3 का 3 में 9, अनुपात 3 का 4 में 3 4 12, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, यूपी टेट में असिस्टेंट टीचर के एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का मान रखना है और आपस में कैची की गुणा कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का योग 638 तथा अंतर 98 है, 98 है, 638 योग है और अंतर 98 है, तो संख्या ज्ञात करो। इसके लिए किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करते हैं इनको, इसमें आपको बस फॉर्मूले याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान लेते हैं इनको, बड़ी संख्या बराबर इसका फॉर्मूला होता है योग प्लस अंतर बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले योग कितना दिया हुआ है 638 और अंतर दिया है 98 98 दिया हुआ है। ठीक है, तो योग लिख लेंगे 638 प्लस अंतर दिया हुआ है 98 बाई 2, इनको जोड़ेंगे 8 8 16 का 86 लगा 1 9 3 12 और 9 3 9 3 12 और 13 का 3 हासिल लगा 6 1 7 736 बाई 2। ठीक है, इसको काट लेते हैं 2 से 2 3 6 2 6 12 1 2 8 16। ठीक है, तो कितना आया, 368 आया, एक ही पहली संख्या होगी। अब निकालते हैं छोटी संख्या, बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, अब ये दूसरी संख्या छोटी संख्या होगी, निकाल लेते हैं इसको कैसे करेंगे, इसमें योग माइनस अंतर बाई 2, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस निकाल लेंगे, तो क्या था योग 638 माइनस अंतर कितना था 98 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, यहाँ 13, 9 में से 13 गया 9 13 में से 9 गया 4 और यहाँ बचा 5, 540/2, तो काट लेते हैं इसको 2 से 2 2 4 2 7 14 1। ठीक है, तो सॉल्व हो गया हमारे क्वेश्चन, सॉल्व हुई है। संख्याएं कौन कौन सी आई, संख्याएं एक तो हमारी 270 आई संख्या और दूसरी कौन सी आई 368 आई। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे करना है, सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूला लगा देना है, जैसे पूछ रहा है कि योग और अंतर है, योग छोटी संख्या और बड़ी संख्या इस तरह से निकालेंगे, बड़ी संख्या के लिए योग प्लस अंतर बाई डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, छोटी संख्या के लिए योग माइनस अंतर डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से संख्याएं निकल जाएंगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता रहता है यूपी टेट में। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखिए, यहाँ पर औसत पूछ रहा है, यहाँ योग नहीं पूछ रहा, तो औसत के लिए किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की, लास्ट में मिलान के लिए, हाँ 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने से पहले हमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले योग निकालेंगे उसके बाद फिर औसत निकालेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n n+1/2। ठीक है, तो n की वैल्यू हम यह कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, क्योंकि लास्ट वाली संख्या 100 है। ठीक है, तो क्या है इसका, n 100 100+1
बाई टू बराबर 100 इंटू कितना हुआ 100 प्लस 1 101 बाई टू, दो से काट लेंगे, दो से कट जाएगा 50 बार, गुणा कर लेंगे 0 5 एकम 5 और 0 0 5 एकम 50, ठीक है 5050 50 50 आ गया आंसर। तो अगर योग अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि प्राकृतिक संख्या को इनका सबका 117 का योग, तो योग योग अगर पूछता तो यहीं पर ही आंसर हो जाता हमारा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है औसत ज्ञात करो, तो औसत कैसे ज्ञात करेंगे, औसत बराबर जो टोट हमारी योग आया है वो डिवाइडेड बाय कितनी संख्या हो 1 से 100 तक का, यानी 100 संख्या 100 संख्याओं तक का औसत पूछ रहा है, तो 100 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, काट लेते हैं इसको 10 से 10 पंजे 50 ना जाने का 0.10 पंजे 50 फिर 0 ले लेंगे, तो कितना आंसर हुआ है 50.50, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है समझ में आ गया कैसे करना है। इसी तरह से मान लीजिए 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्या दी हो, मान लो 1 से लेके 50 तक की, 1 से 50 तक की पूछता है, 1 2 3 इस तरह से 50 तक पूछता है, तो कुछ नहीं करना, एन का मान 50 रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 1 से प्राकृतिक संख्याओं की, मान लीजिए यहाँ दिया हुआ कि 1 से 100 तक की सम संख्या बताओ, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो या 100 संख्या ज्ञात करो, तो सम संख्या मान लो देता है, तो सम संख्या क्या होती है 2 4 6 8 इस तरह से होता है, और लास्ट में कितना 100 तक का पूछ रहा है, मतलब 2 से लेके 6 से लेके 100 तक सम संख्या ही पूछ रहा है, सम संख्या ही होती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइडेड बाई टू, कैसे करते हैं, इसमें पहली संख्या 2 गई प्लस लास्ट की संख्या 100 बाई टू बराबर इसको 102 बाई टू, दो से काट लेंगे 10 दो एकम 2 क्या हो गया 51 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये तो सम संख्या हो गया, आप पूछा कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो 100 तक की विषम संख्या कैसे निकालेंगे, कौन सी होती है विषम संख्या, 1 3 5 7 ऐसे लेके 100 तो होगी नहीं विषम संख्या, 99 होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइडेड बाई टू, पहली प्लस लास्ट की 99 डिवाइडेड बाई टू, तो कितनी होगी 100 बाई टू यानी 50 होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, बोर्ड मास का प्रश्न है, इसको कैसे करते हैं, बोर्ड मास का सभी को फॉर्मूला आता होगा, बोर्ड मास कैसे लगाते हैं वो आप देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद मतलब भाग देंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो लिख लेते हैं 5 × 3 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, 7 को 28 से भाग देंगे तो 7 × 28, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवीज़न देखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो डिवीज़न कहाँ हो रहा है 49 में 7 का, तो 7 × 49 इंटू 6 − 4, ठीक है। डिवीज़न हो गया, अब क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे, 5 × 3 = 15 प्लस 7 × 6 = 42 माइनस 4, ठीक है, खोल लेते हैं इनको, 15 + 42 − 4, अब क्या देखेंगे, ब्रैकेट हो गया, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब क्या करेंगे एडिशन, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 × 2 = 7 + 4 = 5 − 4, अब क्या करेंगे घटाएंगे, 7 × 4 = 3 = 53, तो इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल, आपको बस ये वर्ड मास को फॉलो करते जाना और सॉल्व कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर, भूमि दी हुई है 2/5, 3/8, 4/9 का लैसे ज्ञात करो, ठीक है। तो कैसे करते हैं, लैसे के जो प्रश्न होते हैं सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, भिन्नों का लसा बराबर, भिन्नों का लसा होता है अंशों का लसा बटे हरों का मासा, ठीक है। जो पूछते हैं वो ऊपर आ जाता है, जो नहीं पूछते वो नीचे, लैसे पूछ रहा है तो लैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाएंगे कैसे, तो अंश कौन से, अंश ऊपर वाले होते हैं 2, 3 और 4, और हरों का मासा, हर कौन से हैं 5, 8 और 9, इनका क्या निकालना है, इनका लासा निकालना है ऊपर वालों का, और नीचे वालों का मासा निकालना है, ठीक है। तो 2, 3 और 4 का लासा निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 3, 2 × 2 = 4, फिर 2 से निकालेंगे 1, 3, 2, फिर 3 से 1, 1, 1, तो क्या हुआ 2 × 2 × 3 = 2 × 4 किया
12, ठीक है 12 हो गया, तो हमारा लसा कितना हुआ 12 आ गया नीचे। अब हमें मासा और निकालना है, ये तो लसा हो गया, अब मासा निकालेंगे। 5, 8 और 9 का मासा निकालना है, 5, 8 और 9 कैसे निकालते हैं मासा, 1 × 5 गुणज निकालते हैं इनके, 1 × 2 × 4 × 8 छोटी से छोटी संख्या को गुणज निकालते हैं, तो 1 × 3 = 9। अब इनमें से कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, एक कॉमन है, ठीक है, तो जो जो कॉमन हो जाता है वो मैं से होता है, तो यहाँ एक आ जाएगा, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से करना है। अगर मान लीजिए लसा की जगह यहाँ मासा पूछते, तो ऊपर हमारा अंशों का मासा बटे हरों का लसा हो जाता, मतलब अपोजिट होता, जो भी पूछते हैं लसा पूछे या मासा वो ऊपर रहेगा और नीचे फिर वो जो नहीं पूछेंगे वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं हम। छठा प्रश्न है, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु रमेश की आयु से 9 गुनी थी, रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सॉल्यूशन देखिए, इस वाले प्रश्न में इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, बस आपको जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे आपको करना है और कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले देखेंगे, पहले मानते हैं, कहता है रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो मान लेंगे, यहाँ मानेंगे पहले सुरेश है उसका पुत्र है, सुरेश की, मानो सुरेश की आयु बराबर एक्स वर्ष है, ठीक है, और उसके पिता की, पिता कौन है, रमेश, रमेश की आयु बराबर कितनी है, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो ये एक्स है, तो ये 4x वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हो गया इतना जितना यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब देखते हैं 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, 5 वर्ष पूर्व, अगर पूर्व की बात की है तो इसका मतलब पुराना टाइम का बात चल रही है, यानी पहले।